नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुन्ना यादव ने कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद। घरकुल योजनाओं की निधि जल्द देने की मांग। भाजपा युवा मोर्चा ने नवाब मलिक के खिलाफ किया आंदोलन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलाया मलिक का प्रतीकात्मक पुतला। और अब खबरें विस्तार से। नवाब मलिक ने मुन्ना यादव पर जो आरोप लगाए हैं, उस पर भाजपा नेता मुन्ना यादव ने अपनी भूमिका स्पष्ट की, साथ ही नवाब मलिक पर भी निशाना साधा। भाजपा नेता मुन्ना यादव ने कहा कि नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, उनके आरोपों में कोई तथ्य नहीं। उन्होंने कहा कि वो कई वर्षों से राजनीति में हैं। मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वो राजनीतिक अपराध है। उनके नाम का राजनीति में पैसों के लिए गलत इस्तेमाल किए जाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही कहा कि नवाब मलिक के विरोध में वो एक रुपए का मानहानि का दावा ठोकेंगे। 100% इंक्वायरी होंगी और नवाब मलिक 100% जेल में जाने वाले हैं। 100% नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है, उस प्रकार मेरे किसी भी अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं। मैं मेरे ऊपर किसी प्रकार का गुनहगारी का केस नहीं। मेरे विरोध में लड़ने वाले के साथ मेरा जो झगड़ा हुआ था, मेरे साथ चुनाव लड़ने वालों के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, मेरे विरोध में मेरे अनेक चौकसी सरकार ने करवा ली है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जिस प्रकार जेल में गए भ्रष्टाचार के आरोप में, उसी प्रकार नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है, वो भी 100% इंक्वायरी के बाद जेल में जाने वाले हैं। सेना के मंत्री संजय राठौड़ के ऊपर उसने क्या किया वो मेरे को बताने की गरज नहीं, आप लोगों को मालूम है। मेरे ऊपर लगाए हुए सारे आरोप झूठे हैं। मैं नवाब मलिक के ऊपर मानहानि का दावा करने वाला हूँ। बुधवार को शहर विकास मंच द्वारा संविधान चौक पर घरकुल संबंधित विभिन्न मांगों के लिए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित थे। नागपुर शहर में झोपड़पट्टी मालिकी पट्टे रजिस्ट्री प्रक्रिया पिछले वर्ष से रुकी पड़ी है। रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की निधि सरकार द्वारा रोकने की वजह से लाभार्थियों का घरकुल का काम रुक गया है। माझी मांग ही आहे की मला पहिला चेक 1 लाखाचा मिळाला आणि 1 लाखानंतर मग लॉकडाऊन लागलं, दुसरा चेक मिळाला नाही। आज मी 1 लाख रुपयाचा चेक दुसरा मिळेल बा म्हणून दुसऱ्याकडनं पैसे घेतले 1 लाख रुपये। त्या 1 लाखा रुपयाचे 10,000 रुपये महिन्याची व्याजच देत आहे, पण दुसरा चेक आलेला नाही। चांगल्या घराचं पूर्ण उखडवाखड करून टाकलं चेकच्या भरोशावर, पण चेक आला आश्वासन देतात। मी सिव्हिल ऑफिसला जाते, येणार आहे, समाज कल्याणमधून पास झालेला आहे, येणार आहे। आज 2 वर्ष झाले पण चेक मला मिळाला नाही। इस गंभीर समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए शहर विकास मंच द्वारा संविधान चौक पर प्रदर्शन किया गया। मी सक्करदरा सेवादल नगर मध्ये राहते आणि शहर विकास मंचची सहयोगिका आहे आणि त्याच्या माध्यमातून हे जे मालकी पट्ट्याचे जे काम आहेत ते करण्याचं हे आहे, तर त्याच्यामध्ये काही अडथळा येतो। जर थोड्या थोड्या आता वस्तीमध्ये सलम एरियामध्ये जे काही लोक राहतात आणि त्याच्यामध्ये काही लोकांकडे जुने टॅक्स रसीद नाही का काही ह्या नाही, तर त्याच्यामध्ये अडथळा करतात आणि त्याला उशिरा देण्याचं काम करतात। त्याच्याकरता आपण जनतेनंच जर एकत्र होऊन सण्या त्याच्यावर आपण दबाव टाकला ते आपल्याला देऊ शकतील आणि त्यांनी आम्हाला मालकी हक्काचे पट्टे लवकरात लवकर करून देण्याचं काम करावं। इस दौरान सरकारी योजनाओं की निधि जल्द से जल्द देने की मांग करते हुए लाभार्थियों ने प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल थे। आमच्या मागण्या अशा आहेत की सरकारने ज्या मालकी पट्टे देण्याचं धोरण स्वीकारलेलं आहे आणि गेल्या 2017 पासून नागपूर शहरामध्ये मालकी पट्टे वाटप सुरू झालेलं आहे, परंतु ही प्रक्रिया जी आहे ती गेल्या 2 वर्षापासून प्रचंड संतगतीने सुरू आहे, त्याच्यामुळे अनेक वस्त्यांमधले पट्टे वाटपाचं काम थांबलेलं आहे। आणि सरकारनं घोषित केलं होतं की आम्ही 10,000 लोकांना पट्टे देणार आहोत, म्हणजे मागच्या 2019 मध्येच, पण आता 2021 संपत आलेला आहे तरी फक्त 5,000 लोकांनाच पट्टे वाटप झालेलं आहे। आणि याच्यामध्ये आम्हाला असं वाटतं की सरकारचं जे धोरण आहे ते झोपडपट्टीवासियांना जमिनीचे पट्टे देण्याच्याबद्दलचं सध्या तरी नकारात्मक दिसत आहे,
आणि त्यामुळं या गोष्टीकडे लक्ष दिलं जात नाही आणि जे लोक स्वतःच्या घराचे मालक बनण्यासाठी इच्छुक आहेत, जमिनीचे मालक बनण्याकरता इच्छुक आहेत, अशा लोकांना जमिनीच्या पट्ट्यापासून वंचित ठेवण्याचं धोरण सरकारच्या धोरणांमुळं निर्माण झालेलं आहे, सरकारच्या नीतीमुळं निर्माण झालेलं आहे. आणि त्यामुळं आम्ही असं विचार करतो की सरकारला हे केलंच पाहिजे, कारण सरकारवरती हे बंधन आहे, त्यांनी स्वतः जी आर काढलेले आहेत आणि ह्या जी आर काढलेल्यानुसार त्यांना पट्टेवाटप करणं आणि लोकांना जमिनीचा अधिकार देणं, रजिस्ट्री देणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. परंतु काही शासकीय विभाग या कामामध्ये काम करत आहेत, चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत. जसं की नागपूर सुद्धा प्रदेशाच्या वतीनं बऱ्यापैकी काम झालेलं आहे, 3,500 वर पट्टेवाटप त्यांचं केलेलं आहे. महानगरपालिका पण करत आहे, 1,500 जवळपास त्यांनी केलेलं आहे. पण सगळ्यात मोठी तक्रार जी आहे ती आमच्या नागपूरच्या नजूल कार्यालय आणि कलेक्टर कार्यालयाच्या संदर्भात आहे. या कार्यालयांमध्ये अत्यंत संतगतीनं काम सुरू आहे आणि तिथे पट्टेवाटपाचं काम जवळपास ठप्प झालेलं आहे. आणि त्यासाठी आम्ही अनेकदा निवेदनं दिली, कलेक्टरला दिली, पण अजून काही त्याची प्रगती होताना दिसत नाही. म्हणून त्यांचं लक्ष वेधण्यासाठी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नवाब मलिक के खिलाफ आंदोलन किया. इस दौरान राकपा नेता नवाब मलिक का प्रतीकात्मक पुतला भी फूंका गया. राकपा नेता नवाब मलिक द्वारा एक देशद्रोही से जमीन का लेन देन किया गया है. ऐसा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा लगाए जाने के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है. देवेंद्र फडणवीस के इस बयान से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है. इसी बीच बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नवाब मलिक के खिलाफ आंदोलन किया गया. इस संदर्भ में बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा की अध्यक्ष शिवानी दानी ने कहा कि नवाब मलिक द्वारा किया गया कृत्य बेहद ही निंदनीय है. वहीं मुन्ना यादव पर लगाए गए आरोपों पर उनका कहना था कि बदला लेने की दृष्टि से राजनीति की जा रही है. इस दौरान नवाब मलिक का विरोध करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नवाब मलिक का प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की. आज आम्ही देशद्रोही नवाब मलिक यांच्या विरुद्ध इथे आंदोलन करतो आहे. भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे हे आंदोलन होत आहे. ज्या प्रकारे नवाब मलिक यांनी आतंकवाद्याशी संबंध असलेल्या लोकांकडून जमिनीचे व्यवहार केले, जे अतिशय निंदनीय आहे. आतंकवाद्यांशी संबंध ठेवणं हे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही सहन करू शकत नाही. हे हा एक कुठलंही म्हणजे याला देशद्रोहच म्हणतात आणि देशद्रोही नवाब मलिकचा आम्ही इथे निषेध करतो आहोत. नवाब मलिक यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा ही भारतीय जनता युवा मोर्चाची मागणी आहे. मुन्ना यादववर वेगवेगळ्या केसेस असतील, पण आमचे नेते आहेत. मुन्ना यादववर कुठली ड्रगची केस नाही, कुठली इतर अशा संबंधित केस नाही. हे राजकारणाचा सूड उगवण्याचा कार्यक्रम नवाब मलिक करतात. कुठलं तरी शिंतोडे उडवायचे, देवेंजींवर शिंतोडे उडवायचे, त्यांचे मित्र म्हणून त्यांच्याबद्दल बोलायचं, याशिवाय याच्यामध्ये कुठलंही तथ्य नाही. उधर एसटी महामंडळ कर्मचारियों की मांगे ना पूरी होने पर कर्मचारियों की हड़ताल अब भी जारी है. वहीं रामटेक डेपो में भी चौथे दिन कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही. एसटी महामंडल कर्मचारियों की मांगे न पूरी होने पर हड़ताल अब भी जारी है. रामटेक डेपो में आंदोलन का चौथा दिन है, जिस कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है. भाई दूज के उपलक्ष्य में कई लोग अपने गांव जाना चाह रहे हैं, लेकिन बसेस बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं रिश्तेदार के घर आए हुए लोगों को अपने घर लौटना है, लेकिन बस ही बंद होने से वो भी अपने घर नहीं जा पा रहे. ऐसे में एसटी कर्मचारियों का आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. विधायक गोपीचंद पलाड़कर और महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संगठन के अजय कुमार गुजर ने राज्यव्यापी एसटी राज्य सरकार में शामिल करने के लिए की गई हड़ताल में शामिल होने का ज्ञापन एसटी कर्मचारी ने विभाग नियंत्रक रापर नागपुर विभाग, विधायक आशीष जायसवाल, सांसद कृपाल तुमाने, तहसीलदार बाला साहेब मस्के, पुलिस निरीक्षक प्रमोद मकेश्वर और रामटेक आगार प्रमुख भोगे को दिया. प्रथम तो मी पूर्ण महाराष्ट्र जनतेची माफी मागतो, कारण की आज या आमच्या लढ्यामुळे आज जे जनसामान्याचे हाल होत आहे, म्हणजे भाऊ आणि बहिणीचा मिलन नाही होत आहे, तर याच्याबद्दल आम्ही माफी मागतो सर्व आमच्या महामंडळातील कर्मचाऱ्यांतर्फे. पण मागणार कहा की जेव्हा आमचं पोटच नाही भागत तर तेव्हा आम्ही काय करणार. आज मला 8 वर्ष माझी सर्व्हिस होऊन माझ्या हातामध्ये 18,000 पूर्ण वेतन मिळते. 18,000 मध्ये त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये किराया 4,000 जातो,
तर राहते काय, काहीच नाही राहत, कटून फिटून हातामध्ये 12,000 रुपये वेतन येते, पी एफ वगैरे कटून, तर याच्यामध्ये असे अतोनात हाल अशा आमच्या कर्मचाऱ्याचे होत आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला ना इला जास्त आम्हाला हे आमच्या हक्काच्या मागणीसाठी आम्हाला येन या दिवाळीच्या वेळेस आम्हाला संप करण्याचं काम पडलेलं आहे. आणि आमची फक्त एकच मागणी आहे ती म्हणजे आम्हाला शासनात विलीनीकरण घ्या, कारण की आम्हाला शासन जेव्हा बी आम कोरोनाच्या काळामध्ये आम्हाला द्या पैसे पेमेंट करायसाठी. हर वेळेस जी अशी मागणी असते की नाही वेळेवर पेमेंट नाही होत, जे आज आमच्या या आर्थिक विवेचनेतून आज आमच्या 36 बांधवांनी या जीवनाला कंटाळून त्यांनी आत्महत्या केलेली आहे, तर याच्यामुळे एक जो आक्रोश निर्माण झालेला आहे कर्मचाऱ्यांमध्ये, जोपर्यंत आमची ही मागणी पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत आम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आमचा जो संप आहे तो मागे घेणार नाही. साथ ही एसटी कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार का रुख असंवेदनशील है, यह कहना है विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस का. उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि हड़ताल आगे बढ़े, लेकिन सरकार दबाव डालकर कर्मचारियों पर कार्रवाई कर आंदोलन रोकने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में यह आंदोलन और बढ़ेगा. इस पर चर्चा कर इस मामले का हल निकाला जाए, ऐसा वक्तव्य विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने किया. इस दौरान उन्होंने विधान परिषद चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. एसटी महामंडळाच्या संपाच्या संदर्भात सरकारची भूमिका असंवेदनशील आहे. हा संप चिघळू नये अशी आमची देखील या ठिकाणी आम्हाला देखील वाटतं, परंतु सरकार हे केवळ दमनशाहीच्या भरोशावर दाबून आणि लोकांवर वेगवेगळ्या प्रकारची कारवाई करून हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करेल तर ते आंदोलन अजून वाढेल. चर्चेतनं मार्ग काढला पाहिजे आणि त्यातनं मला असं वाटतं की काही ना काही दिलासा या कर्मचाऱ्यांना सरकारने दिला पाहिजे. इतक्या आत्महत्या झाल्यानंतरही सरकार जर जागा होणार नसेल तर मला असं वाटतं चुकीचं आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या संदर्भात आमचे गोपीचंद पडळकर असतील, आमचे वेगवेगळे आमदार असतील, सदाभाऊ खोत असतील, सगळे लोक आज आंदोलन त्या ठिकाणी करत आहेत आणि मला असं वाटतं की सरकारने याची दखल घेतली पाहिजे. आम्हीही सरकारला पाहिजे तेवढं सहकार्य करायला तयार आहोत, पण मार्ग काढून हा संप मिटवण्याकरता सरकारने पुढाकार घ्यावा. काल तुम्ही रुकिंग ब्रेक के लिए बाकी की खबरों के साथ लौटते हैं इस ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. मुंबई के शौर्य पागवान इस युवा ने मुंबई से नागपुर साइकिल से पहुंचकर फिल्म का प्रमोशन किया. 12 नवंबर को मराठी फिल्म जयंती रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए शौर्य मुंबई से नागपुर साइकिल चलाते हुए पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने फिल्म के बारे में जानकारी दी. माझं नाव आहे शौर्य पागवान. आता येत्या 12 तारखेला जो आपला सगळ्यांचा हक्काचा सण म्हणजे जयंती हा मराठी सिनेमा येतो आहे, त्याच्या प्रमोशनसाठी आज नागपूरमध्ये पोहोचलो आहे. मी मुंबईवरून निघालो आहे, मुंबई ते नागपूर असा माझा सायकल रन होता. मी सायकलवरती जयंती सिनेमाचा प्रमोशनसाठी मुंबईहून निघालो होतो. तर एकंदरीत 15 दिवसामध्ये मी आज नागपूरला पोहोचलो आहे. नागपूरमध्ये सर्व टीमने आज माझं इथं स्वागत केलं आहे आणि ऑन द वे असताना सगळ्याच लोकांनी इतका भरभरून प्रतिसाद दिला आणि इतकं प्रेम दिलं जयंतीसाठी मी शब्दात व्यक्त नाही होऊ शकत. तर मी सगळ्यांना एवढंच सांगेन की येत्या 12 तारखेला आपल्या जवळच्या थिएटरला जाऊन जयंती सिनेमा सगळ्यांना पाहायचा आहे. ही आमची सगळी टीम आहे आणि आमचे कलाकार आहेत ज्यांनी जयंती सिनेमामध्ये वकिलांचा रोल केला आहे. नागेश भुरभुरे सर हे देखील आमच्या सोबतीला आहेत.
त्यांनी माझं वेलकम केलं इथं नागपूरमध्ये. सगळ्यांचं थँक्स आणि सर्वांना आव्हान आहे की सर्वांनी मराठी सिनेमा जयंती हा येत्या 12 तारखेला आपल्या थिएटरला जाऊन पाहायचा. मी नागेश बुरबुरे. या जयंती पिक्चर चे जे फाउंडेशन होतं ते तयार करण्यापासून आम्हाला सर्व टीमला खूप त्रास झाला आणि लोकांकडनं कलेक्शन काढून आम्ही हा जयंती पिक्चर स्वबळावर उभारलेला आहे, जेणेकरून आम्ही नागपूरमध्ये मोठंच मोठं एक थिएटर उभं करण्याचा आम्ही प्रयत्नात आहोत, जेणेकरून प्रत्येक वऱ्हाडी इथली नागपूरची भाषा आणि इथल्या लोक इथले लोक कलाकारमध्ये येतील ही आमची अपेक्षा आहे. यामुळेच आम्ही हा जयंती सिनेमा हा काढलेला आहे आणि या सिनेमाला आपण सर्वांनी खूप भरघोस प्रतिसाद द्यावा हीच आम्ही सर्व नागपूरवासियांना विनंती करतो. जय भीम. अवैध तरीके से शराब बिक्री कर रहे एक रेस्टोरेंट पर पांचपावली पुलिस ने छापा मारा. इस कार्रवाई में पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर शराब भी जब्त की. अवैध शराब की बिक्री करने वाले लोगों पर नकेल कसते हुए पांचपावली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करने में सफलता प्राप्त की है. मिली जानकारी के अनुसार पांचपावली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कामठी रोड स्थित गुरपाल रेस्टोरेंट में अवैध शराब बेची जा रही है, जिसके चलते इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रेस्टोरेंट पर छापा मारा. इस दरमियान पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे मुद्देमाल जब्त किया. काल दिनांक रोजी 19 वाजता दरमियान माननीय DCP सर श्री राजमान्य सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कंट्री लिकर देशी दारूचे दुकान मालक ईश्वरलाल जयस्वाल यांच्या देशी दुकानावर कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये हा देशी दारूचे दुकानदार हा ग्राहकांना सोयीचे लिहाकरता दुकानाच्या समोर शेड लावून त्या ठिकाणी खुर्च्या वगैरेचे अरेंजमेंट करून त्यांना दारू गिलास पाणी असे खाद्यपदार्थ पुरवताना मिळून आले आणि त्याच्यावर हे सदरची कारवाई करण्यात आली. यामध्ये 19 आरोपी करण्यात आले आणि जप मुद्देमाल हा त्या ठिकाणी मिळून आलेला मुद्देमाल जप्त करण्यात आले. सर कलम काय लावले यामध्ये? अपराध क्रमांक 947/2021 कलम 68/82 प्रमाणे सदरची कारवाई करण्यात आली. सदरची कारवाई ही माननीय DCP सर झोन 3 यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. नागपूर के छात्र संकल्प गुप्ता ने हाल ही में चेस ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता जीती है. उन्होंने भारत का 71वां ग्रैंड मास्टर बनकर नागपुर शहर का नाम रोशन किया है. नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज में BBA प्रथम वर्ष के छात्र संकल्प गुप्ता ने हाल ही में चेस प्रतियोगिता जीतकर अपने नाम ग्रैंड मास्टर का खिताब किया है. वो चेस प्रतियोगिता जीतकर 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं. संकल्प 4 साल की उम्र से ही चेस खेलते थे, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ती गई और वो चेस में चैंपियन बन गए. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरु को दिया है. 15 अक्टूबर से अरण जेलोविच करके एक जगह में टूर्नामेंट था. 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर पहला टूर्नामेंट था. 11 राउंड थे टोटल और 4 ग्रैंड मास्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे. मेरे 11 में से 8.5 पॉइंट बने और मेरा फर्स्ट ग्रैंड मास्टर नाम अचीव हुआ. मेरी उस टूर्नामेंट में 22 रेटिंग भरी थी. सेकेंड टूर्नामेंट वही जगह पर 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर में था. टोटल 9 राउंड्स थे और मेरे 7 पॉइंट बने. मेरी रेटिंग 17 पॉइंट भरी और मेरा सेकेंड ग्रैंड मास्टर नाम अचीव हुआ. फिर थर्ड टूर्नामेंट वही जगह पर 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक थी. 9 में से मेरे 6.5 पॉइंट बने. मेरी रेटिंग 19 पॉइंट बढ़ी और मेरा थर्ड ग्रैंड मास्टर नाम अचीव हुआ. 3 टूर्नामेंट में होगा ये अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा, लेकिन टारगेट तो यही था सर कि GM बन के आना है और एक्सपेक्ट किया था. 30 नवंबर से स्पेन में टूर्नामेंट है एलो ब्रेगट ओपन. उसके बाद सिडजेस भी स्पेन में 12 तारीख से हैं, तो अभी उनकी तैयारी करूँगा सर. मुझे एक कोई प्लेयर ऐसे पसंद नहीं, लेकिन अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग चीज़ें पसंद से. कार्लसन के एंड गेम स्किल्स, मैग्नस कार्लसन के एंड गेम स्किल्स, आनंद सर का ओपनिंग प्रिपरेशन. नागपुर मानेवाड़ा बेसा रोड स्थित हैप्पी फूड नामक प्रतिष्ठान में मंगलवार रात 12:45 बजे के करीब भीषण आग लग गई. आग की लपटों को देखते हुए परिसर में भीड़ जमा हो गई. कुछ लोगों ने आग को बुझाने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए. बेकाबू आग को देखते हुए लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी. इसके बाद घटनास्थल के लिए 4 दमकल वाहन रवाना किए गए. खबर लिखे जाने तक आग लगने के कारण और नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई थी. देर रात तक आग बुझाने का सिलसिला जारी रहा. परिसर में खलबली मची रही.
नागपुर मानीवाड़ा बेजा रोड स्थित हैप्पी फूड नामक प्रतिष्ठान में मंगलवार की रात 12:45 के करीब भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखते हुए परिसर में भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। बेकाबू आग को देखते हुए लोगों में इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद घटनास्थल के लिए 4 दमकल वाहन रवाना किए गए। खबर लिखे जाने तक आग लगने के कारण और नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई थी। देर रात तक आग बुझाने का सिलसिला जारी रहा, परिसर में खलबली मची रही। मध्य रेल मुंबई के तहत सोलापुर मंडल के वरिष्ठ परिचालन मंडल प्रबंधक के व्यवहार से नाराज होकर रेल कर्मियों ने करीब 45 मिनट तक कंट्रोल रूम में काम बंद रखा। इससे नागपुर आने वाली ट्रेनों के अलावा कोल्हापुर, पुणे और मुंबई समेत अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए चलने वाली यात्री ट्रेनों को निर्देश मिलना ही बंद हो गए और ट्रेनें जहां की तहां ही रुकी गई। मध्य रेल मुंबई के तहत सोलापुर मंडल में वरिष्ठ परिसंचालन मंडल प्रबंधक के व्यवहार से नाराज होकर रेल कर्मियों ने करीब 45 मिनट तक कंट्रोल रूम में काम बंद रखा। इससे नागपुर आने वाली ट्रेनों के अलावा कोल्हापुर, पुणे और मुंबई समेत अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए चलने वाली यात्री ट्रेनों को निर्देश मिलना बंद हो गए और ट्रेनें जहां की तहां रुक गई। इस संबंध में भारतीय यात्री केंद्र के अध्यक्ष बसंत कुमार शुक्ला द्वारा घटना के जिम्मेदार सोलापुर मंडल के सीनियर DOM के खिलाफ रेल मंत्रालय में शिकायत की गई। शुक्ला ने कहा कि करीब 45 मिनट तक सोलापुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। आरोप है कि उक्त सीनियर DOM कर्मचारियों से गाली गलौज कर उन्हें बार बार स्वैच्छिक अवकाश के लिए दबाव बनाते हैं। कंट्रोल रूम में हुई इस घटना से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं माल परिवहन में भी रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ। शुक्ला ने कंट्रोल रूम जैसे महत्वपूर्ण विभाग के रेल कर्मियों को मानसिक रूप से परेशान करने वाले सीनियर DOM के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। प्राइम टाइम में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देख रहे हैं VKB न्यूज़। नमस्कार।